Hey guys, welcome back to my channel. So good morning, और अभी बज गए हैं 6:32 AM और आज है 14 November, यानी कि आज है दिवाली. तो हैप्पी दिवाली टू ऑल. और अभी मैं जल्दी इसलिए उठी हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी और अभी मैं उठ गई हूँ, इसलिए मैंने उठना लगाया है. तो दिवाली पे सुबह जल्दी उठने के बाद उठना लगाते हैं, फिर बाद में क्या नहाने के बाद करण का फोड़ के खाते हैं और फिर बाद में फराड़ खाते हैं. तो वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. तो अभी हम उठना लगाते हैं और अभी तक सब 6:32 ही बजे, यानी कि मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ. तो उठना लगाने के बाद मैं नहाने जाऊँगी. तो अभी हम उठना लगाते हैं. हाथ पे भी और मुंह पे भी. तो ये उठना थोड़े देर बाद सूखने के बाद उसकी एकदम अच्छे से स्मेल आती है. और पहले हमने तेल लगाया और फिर बाद में ये उठना लगाया. तो थोड़े देर बाद इसकी बहुत अच्छी स्मेल आने वाली है. तो अभी थोड़ा वेट करते हैं, फिर बाद में नहाने जाते हैं. तो नहाने के बाद हम एक ऐसा फल है जिसे हम तो उसे हम पाव से फोड़ते हैं और फिर बाद में उसे हम चाटते हैं. तो वो बहुत तो उसका जो जूस होता है वो हम थोड़ा सा खाते हैं और वो जूस बहुत ही कड़वा होता है. तो मैं आपको दिखाऊंगी उसके बाद. तो खाने के बाद हम बहुत सारा मीठा खाते हैं. गाइस अभी हम बाहर आ चुके हैं और ये ऐसे एक फल है जिसे करंट बोलते हैं, जिसे ऐसे पैर से फोड़ते हैं. तो ऐसे पैर से फोड़ते हैं इसे. अब मैं भी फोड़ती हूँ. बहुत ही कड़वा है. तो बहुत ही कड़वा है. खाने के बाद हम सब मीठा खाएंगे. देखिए मैंने एक टॉप डाला, एक पैन डाली है, तो मैं कैसे दिख रही हूँ बताइए मुझे जल्दी से कमेंट करके. तो गाइस अभी मेरा स्नान करके हो गया है और अभी हम पूजा कर रहे हैं. तो अभी हम वापस से बाहर आ चुके हैं क्योंकि अभी पप्पा फोड़ेंगे. अभी पप्पा का तो ये वाला मेरा है और वो पप्पा का है. ऐसे टेस्ट करते बहुत कड़वा है. गाइस जो मैं आपको बता रही थी कि हम करंट फोड़ते हैं और फिर बाद में हम मीठा खाते हैं, तो वो हम करंट क्यों फोड़ते हैं और उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. तो हम उस फ्रूट को नरकासुर का सिर समझ के फोड़ते हैं और उसका कड़वापन दूर करने के लिए हम फिर बाद में मीठा खाते हैं. तो उस फ्रूट को मराठी में बोलते हैं चिरोटे. हिस्ट्री में लिखा है कि नरकासुर को कृष्ण भगवान ने मारा. तो नरकासुर का वध कृष्ण भगवान ने किया था, वो तो उसे हम फॉलो करते हैं और उस फ्रूट को तोड़ते हैं और फिर बाद में उसका कड़वापन दूर करने के लिए हम मीठा खाते हैं. और दिवाली में जो हम सुबह नहाते हैं उसे हम बोलते हैं अभ्यंग स्नान. गाइस कृष्ण भगवान ने नरकासुर का वध इसलिए किया था क्योंकि नरकासुर ने 16,000 लेडीज को किडनैप किया था. फिर बाद में कृष्ण भगवान ने नरकासुर का वध कर दिया और तो कृष्ण भगवान ने सब लेडीज को बचाया और भगवान को कहा कि इस दिन पर लाइट्स लगाए, सब लोग लाइट्स लगाए और अभ्यंग स्नान करें. तो इसलिए कृष्ण भगवान ने नरकासुर का वध किया था. अभी मैंने जो बताया वो एक हिस्टोरिक रीज़न था. तो जो साइंटिफिक रीज़न है वो है कि अभी ठंडी का मौसम चल रहा है तो स्किन पे ऑयल लगा के और फिर बाद में
सेंटर मिट्टी लगाते हैं जिसे मराठी में कहते हैं उठना, तो वो लगाने से बॉडी अच्छी रहती है तो इसलिए हम लगाते हैं। तो वो लगाने के बाद गर्म पानी से नहाते हैं तो उससे बॉडी हेल्दी रहती है। जैसे कि अभी देखिए मेरी स्किन एकदम स्मूथ हो गई है, तो उससे बॉडी हेल्दी रहती है। तो गर्म पानी के नहाने के बाद एकदम स्किन हेल्दी रहती है। तो ये दो रीज़न थे दिवाली मनाने के। तो अभी हम कुछ मीठा खाते हैं, देखते हैं क्या मीठा खाने वाले हैं। तो इसमें फराड़ है सब, ये है करंजी, ये चकली, ये लड्डू, ये शंकरपाड़ी, ये सेव और ये चूड़ा। तो ये सब हमने घर में बनाया है, बाहर से नहीं लाया है, घर में बनाया है। तो अभी हम इसे खाएंगे। तो जिसके पास टाइम नहीं रहता वो बाहर से भी मंगा सकते हैं, हमने घर पर ही बनाया। चलिए खाते हैं। तो गाइस अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके खाती हूँ और अभी मैं ये लड्डू खा रही हूँ। लड्डू बहुत टेस्टी बना है। तो देखते हैं दिवाली में क्या क्या खाने को मिलता है मीठा मीठा। और अभी तो फराड़ खाते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि और क्या क्या खाने मिलते हैं। तो मैंने एक न्यू ड्रेस लिया है और एक न्यू ड्रेस लिया है, तो दो दो न्यू ड्रेस लिए हैं मैंने। तो रोज नए नए ड्रेस डालेंगे दिवाली पे, और रोज रोज न्यू कपड़े डालेंगे और मजा करेंगे। और आज भी न्यू कपड़े डाला है, कल भी न्यू कपड़े डालूंगी, शाम को भी न्यू कपड़े डालूंगी। तो जब तक दिवाली रहेगी तब तक न्यू कपड़े ही डालती रहूँगी। तो सुबह का दिन शुरू होता है नरक चतुर्थी से, तो शाम को हम करेंगे लक्ष्मी पूजन। तो लक्ष्मी पूजन करने के बाद हम करेंगे दिवाली की पार्टी, बहुत मज़ा आएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो गाइस जो दिवाली होती है वो 4 या 5 दिन की होती है, पर इस बार एक ही दिन में दो दो है, यानी कि आज नरक चतुर्थी और लक्ष्मी पूजन है। और 16 नवंबर को भाऊबीज है और पाड़वा है, तो इस बार एक ही दिन में दो दो फेस्टिवल है। आज चिल्ड्रंस डे भी है, तो हैप्पी चिल्ड्रन डे और हैप्पी दिवाली, तो दो दो फेस्टिवल वापस से एक साथ ही आ गए एक ही डेट पर। गाइस कोविड के वजह से इस बार हम ज़्यादा फटाके फोड़ नहीं सकते, तो हम भी कम से कम फटाके फोड़ेंगे। तो आपको भी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा फटाके मत फोड़िए, तो हम भी ज़्यादा फटाके फोड़ेंगे नहीं। आवाज़ होता है और बहुत पोल्यूशन होता है, तो आप ज़्यादा फटाके मत फोड़िए। थोड़े फटाके जला के और मिठाइयाँ खा के तो हम ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे, तो आप भी ऐसे ही सेलिब्रेट करना। तो आप अच्छे से सेफली प्रिकॉशन लेकर दिवाली सेलिब्रेट करना, तो हम भी वैसे ही सेलिब्रेट करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने नरकासुर कैसे सेलिब्रेट किया, तो ये महाराष्ट्र का तरीका है। जैसे कि मुझे पता है कि गोवा में जो नरकासुर का बड़े बड़े स्टैचू बनाते हैं और फिर बाद में उसे जलाते हैं, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से कैसे नरकासुर सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने आपको महाराष्ट्र और गोवा का तरीका बताया, और आपको कुछ पता होगा नया तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो गाइस मैं सुबह जल्दी उठ गई थी इसलिए मुझे नींद आ रही थी, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले सो गई थी और अभी उठ गई हूँ, तो मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मैं ये फरल खा रही हूँ। तो अभी 11:21 बज गए हैं और अभी मुझे बहुत भूख लगी है, तो अभी मैं खाऊंगी। चुके हैं क्योंकि हमें रंगोली बनानी है, क्योंकि आज है दिवाली तो हम रंगोली बनाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे रंगोली बनाने वाले हैं। तो हम ऐसे रंगोली बना रहे हैं और ये मेरी बहन बना रही है।
देख रहे हैं। ज्यादा नहीं हम बना सकते, तकलीफ हो जाएगा। तो इसमें चार ही बनते हैं, इसमें चार ही बनते हैं। गड़बड़ हो गया क्या? क्या बोल रहे? ये हो गई हमारा रंगोली, अब हम और भी बनाएंगे। तो हमारी रंगोली हो गई एक? नहीं नहीं, नहीं एक हुई अब तक। हाँ, एक ही हुई है हमारी रंगोली, एक ही हुई है। तो अब तक सिर्फ एक ही रंगोली हुई है, अब दूसरी बनाएंगे ना? हाँ जरूर। जरा जोर से बोलो ना। अभी हमको आप जरा एक मिनट मोबाइल दिखाएंगे? हाँ दिखाते। दूसरी जो रंगोली है उसका डिजाइन है। ठीक है, तो अभी मोबाइल दिखाते हैं, तो अभी कैमरा बंद करते हैं। तो अभी हम जल्दी जल्दी इसमें कलर भर देते हैं। हाँ अभी जो है बीच में हम भरेंगे पिंक पिंक पिंक। हाँ तो अभी हम आ गए, अब कौन सा कलर भरना है? अभी तो पिंक ही भर रहे हैं। हाँ जरा जोर से बोलो ना। देखो पिंक में थोड़ा हाँ। व्हाइट मिक्स करना है क्योंकि थोड़ा शेड दे सके हम। हाँ ठीक है। हाँ क्या दे सके? शेड शेड शेड। कौन सा कलर भरना है? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर भरना अभी। तो गाइस हमारे गली में ऐसे रंगोली निकल रहे हैं, तो आप बताइए कि किसकी सबसे अच्छी रंगोली है। देखिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किसकी सबसे अच्छी रंगोली है। किसी ने फ्लावर बनाया है, किसी ने ऐसे डिज़ाइन बनाई है। तो अभी मैं कलर भरूंगी इसमें मोर पीसी कलर। तो भरते अच्छे से आता तो नहीं है, पर मैं ट्राई करके देखती हूँ। तो मुझसे तो नहीं हो रहा है, तो भी मैं बैठ जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो गाइस मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने जब टाइम देखा 16:55, तब मुझे लगा कि अभी 6 बजने आए, पर मुझे बाद में पता चला कि अभी सिर्फ 5 बजने आए हैं। तो फिर ऐसा हुआ और मैं आपको बता ही रही थी, पर बीच में बहुत ज़्यादा फटाके फोड़ रहे थे लोग, तो आवाज़ें आ रही थी उसकी, तो बोल नहीं पाई, तो अभी बोल दिया। और ये रंगोली, एक रंगोली भी हम कर रहे हैं। तो रेड कलर भरा है इसमें, येलो कलर भरा है, पिंक कलर भरा है, ग्रीन कलर भरा है। तो गाइस अभी बज गए हैं 7:00 और अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ। और आज मैं कैसे दिख रही हूँ आप मुझे कमेंट करके बताइए। और यही है वो न्यू ड्रेस जो कि मैंने डीमार्ट से लाया था, और अच्छे से मैं दिखाती हूँ। तैयार हुई हूँ, तो मुझे कमेंट करके बताना कि मैं आज अच्छी दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ। तो अभी हम पूजा करेंगे और फिर बाद में हम फटाके फोड़ेंगे, तो पहले पूजा कर लेते हैं। तो अभी लक्ष्मी पूजन है अभी शाम को, तो वो करेंगे हम और फिर बाद में फटाके फोड़ेंगे। तो गाइस अभी हम पूजा करने वाले हैं, तो यहाँ पर लक्ष्मी जी का फोटो और जो फराल है वो है, मिठाई, प्रसाद, कुमकुम, और ये प्रसाद और दिया, ये कलश, तो सब कुछ है। और यहाँ पर एक अगरबत्ती है। तो अभी हम थोड़ी देर बाद पूजा करेंगे और सब यहाँ पर फोटो निकल रहे हैं। मेरा भी फोटो निकल कर हो गया है।
पूजन करके हो गया, पूजा करके हो गया है, तो अभी हम फटाके फोड़ने बाहर जाएंगे। तो अभी हम ये फटाके निकल रहे हैं, तो ये है फुलझड़ी, सुरसुरी, और एक है नागगोली, और ये क्या आपटी बम। तो इसके तीन बॉक्स है आपटी बम के। तो ये सब आज हम फोड़ने वाले हैं, एक नागगोली, एक सुरसुरी और एक आपटी बम। तो चलिए बाहर जाते हैं। Like a bird on a tree. तो अभी हम सुरसुरी लगाएंगे। रुक रुक। अरे ये ना। I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small. Din din diwali, gaye mashi owari. So abhi hum log apni bomb karenge. दिन दिन दिवाली। तो गाइस अभी हमने सुरसुरी और आपटी बॉम्ब फोड़ा, तो अभी हम नाक की गोली फोड़ेंगे। तो अभी हम लोग नाक की गोली जलाने वाले हैं। इसको जलाते हैं, इसमें से नाक निकलेगी। क्यों उधर गई, इधर गई? देखो इसमें से नाग निकल रहे हैं। लगाया था, अब दूसरा वाला नाग मैं लगाती हूँ। तो अभी जानू नाग जलाएगी। तो गाइस आज दिवाली है, तो आज हम होटल जा रहे हैं, और दिवाली की वजह से पूरे होटल फुल हो गए। तो अगर जगह मिलती है तो हम वही खाएंगे होटल्स में, या फिर पार्सल ले आएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ हम क्या करेंगे। और अभी मैंने मास्क डाल दिया है, क्योंकि अभी हमें बाहर जाना है, तो मैंने मास्क डाल दिया है, और अभी हम बाहर। तो गाइस अभी हम एक शॉप पर आए हैं, तो यहाँ से हम चिकन तंदूरी लेंगे। और यहाँ पर ऐसे स्टिक पे सब चिकन लगा है, और वहाँ पर फ्राई भी कर रहे हैं, और यहाँ पर भी है चिकन। तो हम इनमें से कुछ एक लेंगे, फिर बाद में दूसरे शॉप पर दूसरा लेंगे। तो गाइस अभी हम एक होटल में आए हैं, तो यहाँ पर हम फालूदा खाएंगे, क्योंकि स्वीट में भी कुछ चाहिए, तो इसलिए हम फालूदा खाएंगे अभी। गाइस ये फालूदा आ गया है, कप में फालूदा है, तो ये देखिए ठंडा ठंडा कुरकुर, मेक इट से चार कप है फालूदा के। तो गाइस अभी हम घर में आ चुके हैं, और होटल्स में और दुकानों में बहुत रश थी, यानी कि बहुत भीड़ थी, तो हमने वहाँ पर कुछ खाया नहीं, होटल्स में कुछ खाया नहीं।
पार्सल ही मंगवाया है, पार्सल मंगवाया है। हाँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या लिया। तो ये रावस फ्राई है, और ये चिकन तंदूरी है। तो ये चिकन फ्राई है, तो आज सब चिकन चिकन हो गया। तो ये चिकन फ्राई राइस है। हाय, तो क्यों प्लेट लेके बैठी है? ओ, अभी हम खाएंगे ना ये सब। हाँ, तेरा स्पेशल प्लेट है। सब खाएगी? मतलब एक एक करके सब खाएगी? हाँ। तो इतना सारा सब तू खाएगी? सब हाँ? नहीं, सब खाएंगे, मैं भी। और इधर क्या चल रहा है? इधर शूटिंग चल रहा है। हाँ। अच्छा, ये इसका शूटिंग, और इसका कौन सा चैनल है? गायत्री की दुनिया का चैनल है, सब देख लो। और इसका तो आपको मालूम ही है, क्या नाम है तुम्हारा चैनल का? डिंपल गर्ल जानवी। डिंपल गर्ल जानवी, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी शेयर करो, ताकि हमारा चैनल क्या हो जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा। ओके, तो हैप्पी दिवाली सबको। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। सोने जा रही हूँ, और जो खाना है वो यहाँ तक आ गया है, तो पेट बहुत भर गया है, और रात भी हो चुकी है, नींद भी बहुत आ रही है। तो अभी मैं सोने जा रही हूँ, तो वीडियो को एंड कर देती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।